भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर्स का दीवाना पूरा यूपी बिहार है। इतना ही नहीं, अब तो ये देश भर में जाने पहचाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी भोजपुरी एक्टर्स के जमकर फॉलोअर्स हैं, और ये सभी अपने अपने एक्टर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको इन भोजपुरी एक्टर्स की खूबसूरत बीवियों के बारे में बताते हैं। जी हाँ, जो कि अपने हस्बैंड के स्टारडम के बाद भी एकदम सिंपल लाइफ जीती हैं, लेकिन कुछ की वाइफ खुद भी एक्ट्रेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह की, जिनकी दो शादियां हुई हैं। पवन ने पहली शादी साल 2014 में नीलम से की थी। शादी के एक साल बाद ही नीलम ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद पवन ने दूसरी शादी ज्योति सिंह से 2018 में की। ज्योति के साथ उनकी शादी काफी चर्चा में रही है। पवन सिंह सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक तस्वीर और वीडियो अक्सर शेयर करते हैं। अगला नाम है निरहुआ, जिनकी पत्नी का नाम है मंशा। मंशा के साथ निरहुआ ने साल 2000 में शादी की थी। इन दोनों के बच्चे भी हैं। 2003 में दिनेश लाल यादव का म्यूजिक एल्बम निरहुआ सेटल रहे आया। इस एल्बम ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी कि उनके नाम के साथ ही निरहुआ जुड़ गया। निरहुआ बीजेपी के नेता भी हैं। निरहुआ का नाम अक्सर आम्रपाली दुबे के साथ जोड़ा जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी सबसे ज्यादा डिमांड वाले एक्टर हैं। खेसारी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में आई फिल्म साजन चले ससुराल से की थी। खेसारी की पत्नी का नाम है चंदा देवी। खेसारी यादव ने साल 2006 में चंदा से शादी की थी। खेसारी के दो बच्चे भी हैं। उनकी पत्नी एक सिंपल हाउसवाइफ है, जो कि उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करती है। अगला नाम रवि किशन का है। जी हाँ, इनकी पत्नी का नाम है प्रीति किशन। रवि किशन की एक बेटी फिल्मों में डेब्यू भी कर चुकी है। साल 1969 में मुंबई के सांता क्रूज इलाके में जन्मे रवि किशन अब गोरखपुर से सांसद हैं। रवि किशन ने भोजपुरी के बाद हिंदी सिनेमा में भी खूब नाम कमाया और अब साउथ में भी जमकर धाक जमा रहे हैं। रवि अपनी पत्नी और बेटियों से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो अपना ये फैमिली लव अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाते रहते हैं। वेल, एक कपल और है जिनकी खूब चर्चा होती है, और वो है विक्रांत यादव और मोनालिसा। ये दोनों ही भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर एक्ट्रेस हैं। विक्रांत और मोनालिसा लंबे समय तक अफेयर में थे, लेकिन विक्रांत ने मोनालिसा को तब प्रपोज किया जब वो बिग बॉस के शो का हिस्सा थी। विक्रांत और मोनालिसा की शादी बिग बॉस के सेट पर ही हुई है। तभी शादी को कई लोगों ने फेक बताया था, लेकिन दोनों आज भी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मोनालिसा और विक्रांत फैंस के फेवरेट हैं। इंडिया स्पीक्स पर ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।